तो मनु के एक शरीर में ही चारों वर्ण है, ब्राह्मण ब्राह्मण यहाँ से यहाँ तक क्षत्रिय, पेट फ्रेश हो गया और पैर हमारा शूद्र है। शूद्र नीचे क्यों है भाई? भाई शूद्र नीचे क्यों है? और जो प्रचंड विद्वान हुआ करते थे, जिनके कहने पर हमारे घर में लोग पैदा होते थे, मरते थे, उन्होंने हमें इन चौपाइयों का अर्थ सिर्फ यही बताया, शूद्र मतलब नीच और गंवार मतलब अशिक्षित और नारी मतलब औरत। हम लोग के यहाँ बताया गया, कहा गया कि ब्राह्मण ये क्षत्रिय वैसे शूद्र है, शूद्र मतलब कि पैर शूद्र कैसे नहीं हो गया भाई? आप ब्राह्मण अगर आप मस्तिष्क बता रहे हैं तो शूद्रों को यहाँ रख दीजिए ना। ढोल को कैसे समझाएंगे? ढोल को समझाएंगे? ढोल दोनों तरफ से उसको मार के ही तो बजाया जाएगा, तो पीटा जाएगा, लेकिन महिला को पीटा दोनों नहीं जाएगा। ढोलक जैसे पीटी जाती है उस तरीके से मारपीट का करके इनका संचालन करना चाहिए, कि नारी पीटी जानी चाहिए। जी, ऐसा जी, कोई बात नहीं भैया, देखिए देखिए यहाँ पर नहीं नहीं आप लोग चर्चा, आप लोग लड़ते हैं, आप लोग लड़ाई करते हैं, आप लोग लड़ाई करते हैं, किसी से बात मत करना भैया, चुप चुप शांत कर दो, शांत बैठो भैया, मैं तो थोड़ी जगह दी, हम दिखाएंगे, शांत बैठो, शांत बैठो भैया, शांत बैठो। अगर हम धर्म गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी अधम जाति में विद्या पाए भयउ यथा अहि दूध पिलाए, मतलब अगर किसी नीची जाति वाले व्यक्ति को शिक्षा दी जाए तो वो सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। रामचरितमानस की ऐसी कई चौपाइयां हैं जिनको लेकर के बहस छिड़ी हुई है कि आज के समय अनुसार ये ऐसा होना चाहिए, ये ठीक है कि नहीं है। तो आज मैं इन सारी बातों पर, इस मसले पर कानून की जानकारी रखने वाले वकील क्या सोचते हैं ये पूछने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट आ गई हूँ। यहाँ पर वकीलों से जानूंगी कि आखिर वकील क्या जानते हैं, वो क्या मानते हैं। ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब कहाँ चले गए और ताड़न कहाँ से आ गया? अरे ढोर की परिभाषा बताइए, शूद्र की परिभाषा बताइए, ये नारी की बताइए, पशु की बताइए, इसके बाद ताड़ा किसको जाए, मारा किसको जाए, सताया किसको जाए? तो ये परिभाषा हमारे समझ परे हैं और जो नेगेटिव पॉइंट है ये कमना धर्म के जो विरुद्ध में दो लाइनें निकली हैं उसको हटा देना चाहिए, काम खत्म बस। तो सकल ताड़ना के अधिकारी शायद ताड़ना का अधिकार, ताड़ना के कई अर्थ हैं, तो ताड़ना का अर्थ यही है कि भाई प्रताड़ना, भाई ताड़ना का समुचित अर्थ यही होता है। मनु स्मृति में चार वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। तो जब ये अन्य जातियाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय राजपूत में आ गया, वैश्य आगे जो व्यापार करते हैं, और अन्य जो और जाति बची, चौथी बची, वो सभी शूद्र हैं ना, इसलिए उनको शूद्र माना गया है। आपकी व्याख्या क्या है? काल समय परिस्थितियों के अनुसार जैसे हर चीज चेंज हो रहा है तो थोड़ा चेंज होना चाहिए, बदलाव होना, बदलाव चाहते हैं बिल्कुल। जी को पीटा नहीं जाएगा, पशु को भी पीटा नहीं जाएगा, शूद्र को भी पीटा नहीं जाएगा, उसको भी समझाया जाएगा, उसको भी जो है शिक्षा दिया जाएगा। ढोल को कैसे समझाएंगे आप? ढोल को समझाएंगे? ढोल दोनों तरफ से उसको मार के ही तो बजाया जाएगा, तो पीटा जाएगा, लेकिन महिला को पीटा दोनों नहीं जाएगा, महिला हो रही है, देखिए यहाँ पीटने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि ढोल को पीटा जाएगा, सुनिए तो, ढोल को अगर पीटा जाएगा तो आगे जो शब्द आगे हैं शूद्र पशु नारी, तो उनका क्या अलग है मतलब? उसमें ताड़ना का मतलब अलग है, ढोल के लिए अलग है? बिल्कुल मतलब अलग है, बिल्कुल मतलब अलग है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी अधम जाति में विद्या पाए भयो यथा अहि दूध पिलाए, इसकी ज्यादा दिक्कत चल रही है। ठीक है, पहली बात अधम कौन होता है बताइए? जिसको बोलना ना आए, जिसको बोलना ना आए, जिसका चरित्र ना हो, जिसको अपनी बात पे टिकाऊ ना हो, बिना पेंदी का लोटा हो, माँ बहन बेटी की मर्यादा ना समझता हो, राजनीति का मतलब ना समझता हो, भारत भूमि का मतलब ना समझता, वो अधम है। तो लग गया जब, तो अधम जो है जात, जाति आ गया ना, जात को इंगित कर दिया ना, तो इसीलिए जात को इंगित नहीं करना चाहिए भाई। रामायण किसी किसी वर्ग के लिए फायदेमंद है और किसी के लिए नुकसानदायक है, तो चौपाइया हमें अपॉइंट करती है, हमें अपॉइंट करती है और इनको सम्मान करती है। तो राम कथा मंदाकिनी, ये मंदाकिनी कही गई है, राम नाम सत्य कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कही है, लेकिन अगर अपने बिटिया की शादी कहे करे और कहे राम नाम सत्य है, वहाँ पर नहीं कहते वहाँ पर? श्री रामचरित मानस की चौपाइयों को लेकर के आपके अनुसार क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैडम, स्त्री रामचरण मानस में भी स्त्री का ही पाठ किया गया है, और स्त्री की स्थिति कैसी थी? लेकिन हिंदू संस्कृति में महिलाओं को, नारियों को तो देवी कहा गया है, देवी स्वरूप, नारियों को देवी कहा गया, आप इतिहास देखे कि कहाँ नारियां देवी थी,
कभी थी देवी? ढोल गंवार शूद्र पशु, तो आप देखिएगा शूद्र की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे अपभ्रंश हो गया है। हाँ। वहाँ पे क्षुद्र पशु की बात की गई, क्षुद्र मतलब वो पशु जो हमारे लिए घातक है। और यहाँ पे जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है, ताड़ना का मतलब है नजर रखने का, और ढोलक की बात, ढोल गंवार शूद्र पशु, तो ढोलक पे कैसे नजर रखेंगे? ढोलक पे नजर नहीं मैडम रखने की, मैंने कहा ना एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। एक मिनट मैडम, मैडम सर सर, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कनक कनक तिसोग ने मादकता अधिकार, यहाँ पे कनक का अर्थ दूसरा हो गया, वहाँ पे दूसरा हो गया, इसी प्रकार। लेकिन कनक कनक दो बार आया ना, कनक कनक ने सोगनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए वापाए बोराए, ये तो बात ठीक है। लेकिन अभी जो एक ही बार बोला गया ना, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना एक बार बोला है, लेकिन ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करने से नहीं है मैडम, वो मौर्य के सही से पढ़े, उसका अर्थ गलत ना निकाले। रुकिए, अरे गिरिए मत। ढोल का अर्थ है शब्द, और शब्द को ताड़ोगे नहीं, जोर से बोलोगे गाली दोगे किसी को तो जवाब पाओगे, और अगर प्रेम से बोलोगे तो वैसा जवाब मिलेगा। शब्द है ना, और फिर शूद्र, शूद्र शूद्र जैसे अग्नि तत्व है, शूद्र नहीं अग्नि तत्व है। अगर आप उसको देखिए उसको अगर आप टच कर लोगे, स्पर्श कर लोगे, रंग रूप शब्द स्पर्श गंध, हमने कहा अग्नि को। अच्छा, आग को, शूद्र को अग्नि कह रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, इस तरह पांचों तत्वों की व्याख्या की गई। और जब भगवान, अच्छा, नारी 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 है वायु, नारी को कैसे कैसे गंध से स्पर्श कर करेंगे, कोई अच्छी नारी होगी तो कैसे लोग मचल जाते हैं, आपको पता है। तो ये है। अच्छा, महिलाओं से बात करने दीजिए, महिलाओं से, महिला आ गई आपके पास, महिलाओं से बात करो। नमस्कार मैडम, आप अकेली मुझे दिखी है शेरनी, बाकी बाकी क्या बात है, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, हमें बड़ा प्रसन्नता होती। ताली बजा दिए, एक महिला खड़ी थे पुरुषों के बीच में, ताली बजाइए भाई। कैसी हैं आप? दो महिलाएं हम दोनों लोग, नाम बताइएगा। शशि प्रभा आर्य। शशि प्रभा जी, बड़ा बहस चल रही है भैया, आपके अनुसार पहले तो पता ही चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहुत जरूरी है, चर्चा नहीं होगी तो गलत संदेश जाएंगे, से अलग अलग मत निकल करके आएंगे और उन मतों में ही निष्कर्ष निकल कर आएगा। सहमत हूँ आपकी इस बात, लेकिन फिर इन चर्चाओं में, इन बहसों में मारपीट, मारना काटना जान ले लेंगे, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब जो चर्चा से घबरा रहे हैं उनके मन में छल है, कपट है, द्वेष है, और वो मानसिक विकृति का शिकार है। अच्छा, आपसे, आप क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है, वकील समाज कानून की जानकारी रखता है, आपके सामने दो चौपाई रख रही हूँ श्री रामचरित मानस की। पहली की ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ जो बताया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ताड़ना का मतलब प्रताड़ना है, कि अगर ढोल को प्रताड़ित करना, मतलब ढोल को मारना पीटना चाहिए शूद्र को और नारी को भी, ये चल रहा है। आपके अनुसार क्या? देखिए, ज्यादा जानती है, देखिए ज्यादा मैं बता दूं कि हमारे परिवार में बहुत कम लोग पूर्वज शिक्षित रहे हैं, और जो प्रचंड विद्वान हुआ करते थे, जिनके कहने पर हमारे घर में लोग पैदा होते थे, मरते थे, उन्होंने हमें इन चौपाइयों का अर्थ सिर्फ यही बताया, शूद्र मतलब नीच, और गंवार मतलब अशिक्षित, और नारी मतलब औरत। तुम लोग, जो उसका अर्थ बताया जा रहा है, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है, इनको ढोलक जैसे पीटी जाती है उस तरीके से मारपीट का करके इनका संचालन करना चाहिए, कि नारी पीटी जानी चाहिए। जी, ऐसा जी, तो आज के समय अनुसार जो हमें बताया गया सदियों से, और भारत के संविधान में इसका कहीं अर्थ नहीं लिखा है। आ गई आपके पास, बहुत सारे लोग हैं, सबकी तरफ सबसे बात करना है, नजरें सबकी तरफ जा रही है, नाम बताइएगा। वीरेंद्र मिश्रा सौरभ। अरे वीरेंद्र जी, सौरभ नाम भी है, वीरेंद्र नाम, सौरभ नाम टाइट, फेमस नाम, फेमस नाम, हम फेमस वालों बोलेंगे, फेमस बहुत पसंद है। सौरभ जी क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है भैया, तो और कमाल की बात है सौरभ जी, तब तो बहुत बढ़िया बोलेंगे। अच्छा ये बताइए कि सौरभ जी, इस पूरे पूरे मसले को लेकर के, श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, पहले तो मुझे बताइए चर्चा का विषय है कि नहीं?
विदाउट कमेंट इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमारे आदिकालीन ऋषि मुनि इतने मर्मज्ञ थे, इतने ज्ञानी थे। अगर चर्चा नहीं होगी तो सार कैसे निकलेगा? लोग अर्थ का अनर्थ करते रहेंगे और आप चाहते हैं चर्चा ना हो। आज राजनीतिक तौर से अर्थ का अनर्थ बना रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो मानसिक तौर से दिवालिया हो चुका है, जिन्होंने बसपा से अपना करियर शुरू किया। नेताओं की बात नहीं कर रहे सौरभ जी, तो हम समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपको बोलना पड़ेगा नेताओं के नाम पर मत बोलिए। हम बिहार के शिक्षा मंत्री को भी नहीं लेकर के आ रहे, हम आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं जो देश के मन में चल रहा है। ये सवाल अब लोग वीडियोस के नीचे कमेंट्स में मैसेजेस में मेल्स में खुले मंच पर करने लगे हैं कि आखिर ये दो चौपाइयां, हम तो सिर्फ दो चौपाइयां आपके बीच लेकर आए हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ ना के अधिकारी नारी आपके सामने खड़ी है, ये सब पे भारी है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और दूसरा, अधम जाति में विद्या पाए भयो थाई दूध पिलाए, तो क्या आपके अनुसार क्या नीची जाति का व्यक्ति अगर विद्या लेगा तो क्या सब जैसा जहरीला? मैम, अवधि भाषा का मर्मज्ञ रूप से जो रिसर्च करते हैं उनसे अगर आप जाके उस ताड़ना का मतलब हुआ किसी को, जैसे अवध में जाएं आप फैजाबाद सुल्तानपुर प्रतापगढ़ तो कहें ताड़ था का, एक अवधि भाषा होता है। ताड़ना मतलब देखना, पत्नी हमारी बहन भी होती है, बेटी भी होती है, माँ भी होती है। और तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम जब अपने श्लोक रामचरित मानस का उन्होंने शुरुआत किया तो माँ सरस्वती की वंदना करते हुए किया, तो महिलाओं का नारी को अगर सब ताड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ना ना ना, पति ताड़े पिता ताड़े, मतलब देखे, माफ करना देखे, नहीं नहीं, सब 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 का आप, अब ये तो अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी वैचारिक सोच है, अपनी क्षमता है और अपना आप व्यक्त करने का। आपके अनुसार ताड़ना का मतलब देखना नहीं है? ताड़ना का मतलब हुआ कि जो नौकर है, चाकर है, पत्नी है, तो उनको वाच रखता है, उन पे वाच रखना चाहिए और नारी अगर पे, नारी पे नजर रखनी चाहिए, वाच रखनी चाहिए। आज भी आज के संदर्भ में इसको कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज के इस मॉडर्नाइज युग में भी अपने परिवार को संतुलित तौर से, व्यवस्थित तौर से, संचालित तौर से, सुगम तौर से, सरलता से, प्यार से, खुशी से अगर आप जाना चाहते हैं, वो बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, उस पर वाच निगाहें रखनी चाहिए। और इसको और आप पर नरों पे निगाहें कौन रखेगा? नर पे भी लिखा नहीं, लिखा तो नारी पर है। नीचे मैम, आप चूंकि महिला हैं, विदुषी महिला हैं और आप विद्वान महिला से हम बात कर रहे हैं, तो महाविद्वान इसलिए तो हम आपसे ज्ञान लेने आए हैं। नहीं, आप यही तो, आप बात तो सुन लीजिए, हम ये नहीं कहते हैं, पत्नियां हो या बहन हो, जब अपने पति की बात होती है तो अंतर मन से जो तीसरा नेत्र होता है वो पत्नियां वो खोल के रखती हैं। आपकी मैं डिबेट रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं आज के दौर में, जबकि बिका हुआ मीडिया आज की डेट में मार्केट में पूरी तरह से, तो इस तरीके से आप जिस तरीके जमीनी पत्रकारिता करती, सबसे पहले तो मैं आप और आपकी पूरी टीम को सलाम करता हूँ। धन्यवाद, हम भी आपको सलाम करते हैं। उसके बाद रही जी, नहीं बिल्कुल मैडम, और रही बात आपने भी बताया कि जो क्या परिवर्तन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल जिस ग्रंथ में पढ़े जो आज तक चलते आया है हमारे से, आपके अनुसार क्या है? से पहले आपके अनुसार क्या है? महिला के लिए, महिला हमेशा ऊपर है, हमेशा रहेंगी, सीधी सी बात है, महिला से ही कुछ उत्पन्न ही महिला है। और अधम जाति में विद्या पाए, अब विद्या पाना तो सब, अधम जाति क्या है आपके अनुसार? चलिए, अब अधर्म जाति, वही अधर्म नहीं बोल रही हूँ, अधम 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 जाति, अब नहीं पता मैडम। तो मनु के एक शरीर में ही चारों वर्ण है, ब्राह्मण ब्राह्मण यहाँ से यहाँ तक, क्षत्रिय, पेट फ्रेश हो गया और पैर हमारा शूद्र है, क्या कोई किसी से अलग हो पाया आज तक? लेकिन यही सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि शूद्र शूद्र पैर क्यों है? पैर शूद्र कैसे नहीं हो गया भाई? आप ब्राह्मण अगर आप मस्तिष्क बता रहे हैं तो शूद्रों को यहाँ रख दीजिए ना। बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, तो कह रहे हैं ये धर्म का विषय है। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब कि ये धर्म का विषय है, धर्म को और कॉन्स्टिट्यूशन के एक मत करिए। हम कानून के जानकार हैं, हमें कानून समझने दीजिए, जो धर्म जानते हैं। आज का संविधान, आज का कानून इन
चौपाइयों पर क्या सोचता है, मैं यही जानने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूं। आज सुप्रीम कोर्ट बताएगा ना, एक वकील डिसाइड कर सकता है। आप सब एक नहीं या तो कई हैं, यहाँ एक अलग अलग खड़ा भरता है। आप नाम बताइए। मेरा बसंत लाल रावत। बसंत लाल जी बताइए, इतना बहस चल रहा है, इतना बहस चल रहा है भैया। जो मैडम मारने काटने को उतारू हो गए जी जी जी, आज जो चौपाई की बात चल रही है, रुक जाइए भाई, जो चौपाई की बात चल रही है, कुछ बोलेंगे, चौपाई की बात चल रही है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है, जायज चीज उठाया है, ये बहुत 1574 नहीं सुनिए, चलिए चलिए, हाँ, आज के संदर्भ में जो 1574 में ये लिखी गई रामचरितमानस तुलसीदास जो द्वारा, जो ये चौपाई आपको मालूम है, जिसमें कहा गया है इन जो शूद्र समाज को कहा गया है, और नहीं वो नारियां हैं और शूद्र हैं, नारियां वो जो चौपाई में उद्धरण है उसमें नारी का भी नाम लिया गया है। अच्छा, ये आपको अपडेट दे रहे हैं। नारी पत्रकार भी हो गए, वकील तो थे, अपडेट दे रहे हैं। जी जी जी, जो चौपाई में कही गई है तो उसमें जो है शूद्र समाज, शूद्र समाज नारी सभी को कहा गया, सकल ताड़ना के, सकल माने सभी, ये सभी ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब ये होता है दंडित करना, मारना, पीटना, कुचलना, क्रश करना। आप पढ़ लीजिए ताड़ना का अर्थ, जिसको नहीं मालूम है डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, ताड़ना का अर्थ यही है। ताड़ना का अर्थ है प्रताड़ित करिए, मारिए, पीटिए, कुचलिए, दबिए, दबाइए। लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि ताड़ना का मतलब तो देखना भी है, भापना भी है। तो भाव देखिए, ये नहीं, ताड़ना का अर्थ, ताड़ना का अर्थ ही होता है दंडित करना, चाइडिंग करना, मारना, पीटना, ये सब इसके अर्थ हैं। आप पढ़ लीजिए। जानकार वकील क्या सोचते हैं, क्या इन तरह की जो पंक्तियां हैं, क्या ये संशोधित होनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर संशोधन होना चाहिए, अगर किसी भी समाज को किसी ने लिख दिया, किसी ने लिख दिया तो उसका संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हाँ, हम ये दूसरे धर्म के होंगे इसलिए ये इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। ताड़ना का मतलब यहाँ पे तुलसीदास जी ने हमारे क्या यमक 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 नहीं है, वो यमक नहीं है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिका, या खाए बोरा है वा पाए बोरा उन्हें हो जाता है। लेकिन ये जानकारी नहीं है ना, ये उपमा अलंकार है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, मैंने अपने जीवन में, रुकिए दिखाने दीजिए, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे वकील देखे हैं जो धोती में को दिखे। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र हिंदू है। हाँ, तो राघवेंद्र जी आपके अनुसार क्या है, आप कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये भाई साहब इन्होंने अभी कुछ बताया। अभी मैं 100% कह सकता हूँ, जो इस तरह की व्याख्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो मनुवादी कहते हैं कि मनुवादियों ने ये करा है, वो किया है, ऐसे नहीं। इनका सोच ये है, ये 100% अगर आप जांच करेंगे, जिन लोगों ने जलाया है रामायण वो भी बौद्ध होंगे और ये भी बौद्ध होंगे, इनके जांच की जाए। और यही लोग रामायण किसी ने नहीं जलाया, उसको बर्बाद कर रही, जो हाँ रामायण किसी ने नहीं जलाया, रामायण तो कुछ नहीं है, देश को बर्बाद कर रही है, पता नहीं है रामचरित्र को, पता नहीं आप किस बर्बाद कर रही है, हम और बर्बाद कर रही है आप, सोच इनकी सोच देश को बर्बाद कर रही है। ताड़ना का अर्थ बता दीजिए, ताड़ना का अर्थ बता दीजिए, पहले आप ये बताइए कि गीता प्रेस की रामचरितमानस में ताड़ना का अर्थ क्या है, क्या है बताइए जरा, ताड़ना का गीता प्रेस की रामचरितमानस में बताइएगा मान्यवर, गीता प्रेस की रामचरितमानस में ताड़ना का अर्थ क्या लिखा हुआ है। और दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज, जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि रामचरितमानस का अपमान समाजवादी पार्टी के नेता MLC स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है, पहले तो इसको सुधारा जाए। उन्होंने चंद चौपाइयों के ऊपर सवाल उठाया है, जो ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है। चलिए नेताओं के, आपने क्लियर किया, ठीक है, लेकिन नेताओं की बात नहीं कर रहे। और दूसरी बात, आपने कहा रामायण जलाई।
जलाई गई भाई साहब, रामायण नहीं जलाई गई, रामचरितमानस। हां राम का सबूत दिया जाए। हां रामायण जलाई गई, वकील है तो सबूत दिया जाए। वो सबूत मिलेगा, सबूत मिलेगा आपको रामचरितमानस। हां हां मैं तो कह रहा लिखवा, लिखवाइए लिखवाइए, हां लिखवाइए ना, अधूरी जानकारी देने वाला व्यक्ति 21 लाख रुपए उसका कलम सर कलम कटने के लिए कहा गया करने के लिए कर रहा है, तो उसके खिलाफ 307 का मुकदमा लिखा है। संविधान से देश चलेगा, संविधान से, अनुसूचित से नहीं चलेगा, अनुसूचित से नहीं, आज तक नहीं चला, आज तक नहीं चला, आज तक नहीं चला, संविधान से चल रहा है, तभी तो आप लोग कोर्ट के, तभी तो आप लोग कोर्ट में खड़े, काला कोर्ट में भाई साहब, संविधान से चल रहा है, तभी तो काला कोर्ट पहने हैं भाई साहब। हाँ तो धर्म के बारे में बात हो रही, यही तो संविधान की बात लेके आ गए, समझा समझे। अच्छा आप मुझे बताओ, देश जो है धर्म से चलेगा कि संविधान से चलेगा? धर्म द्वारा संविधान से चलेगा या संविधान द्वारा धर्म से चलेगा, दोनों अलग अलग नहीं चलते। नंबर क्लियर नहीं है, ये भी कहना चाहते हैं कि धर्म से भी चलेगा संविधान से, मतलब जो हर चीज इन्हीं के हिसाब से होगी। देखिए हिंदुस्तान जब से पूछो, जो ये पूछता है कि देश धर्म से चलेगा या संविधान से, उस नादान से पूछो कि सेकुलर देश में आयोग कैसे है, बताओ। संविधान की बात कर, हमें संविधान ही के कानून के रहते हुए इस अल्पसंख्यक आयोग कैसे है जब धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है? तो भाई भाई कैसे है, कैसे है जब धर्म के आधार पर झांट दिया गया अल्पसंख्यक आयोग, तो धर्म को बताकर किया गया, तो देश सेकुलर कैसे बना? और ये लोग आप लोग नहीं पूछते हो क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। देखो फिर गलत बात, भाई गलत बात क्यों? देखिए इनका कोई जवाब नहीं, देखिए इनका मेरा सवाल ये है कि देश सबसे पहले देश है, संविधान है, सबसे बड़ा देश है, फिर संविधान है, उसके बाद पब्लिक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जिन्होंने संविधान बनाया है, और हमारी कोई बात संविधान में नहीं मानी जा रही है। संविधान कहता कुछ है और हो कुछ और रहा है। संविधान कह रहा कुछ और, कहता है कि आर्टिकल 14 में सब बराबर हैं, तो फिर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपको बराबर ही तो है, बराबर है, लेकिन महिला आयोग फिर क्यों है, पुरुष आयोग क्यों नहीं? आपके मन में जलन है? मेरे जलन नहीं है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, तो जलन पर आ गई आप। चलिए एक बात बताइएगा, अच्छा एक बात बताइएगा, हाँ। एक बात बताइएगा कि अभी जो अधम जाति में विद्या पाए, ये जो कहा जा रहा है, इस पंक्ति को लेकर बहुत बवाल है, आपके अनुसार क्या है? हमारी बात सुनिए, अधम कौन है? जो दुराचारी है, पापी है, अत्याचारी है और अपराधी है, वो अधम है। अच्छा शूद्र कौन है? शूद्र वो है जो मानव जाति के संस्कारों के विपरीत कार्य करता है। अच्छा, तो वो ताड़ना के अधिकारी है कि नहीं है? अब ताड़ना का मतलब आप जान गई हो, सुनिए, ताड़ना का मतलब जो आप कह रही, सुनिए सुनिए, आप वहीं ले जा रहे हो टीआरपी वाली बहस पे। ताड़ना का मतलब वो है कि इन पर निगाह रखो, ताड़ो इनको, इनको इनके प्रताड़ित करो। ताड़ना का मतलब हम इनको देख रहे हैं, इन पर नजर रखो इन पे। रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है? रामचरितमानस में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है? रामचरितमानस में ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? आप दिखा दीजिए, रामचरितमानस में कहीं लिखा हुआ है कि ताड़ना का मतलब देखना है? रामचरितमानस में कहीं लिखा है? अच्छा रुकिए, मैं किसी से बात नहीं कर, किसी से बात मत करना भैया, चुप चुप शांत कर दो, शांत बैठो भैया, मैं तो थोड़ी जगह दिया, हम दिखाएंगे, शांत बैठो भैया, शांत बैठो, कोई किसी से बात मत करना, सब पीछे वाले अभी भी चालू है, इनको अभी भी करनी है, इनको अभी भी करनी है, हम किसी से बात कर रहे हैं? रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी है। वो दलित होते हुए भी महर्षि कैसे हैं? पाठ क्यों नहीं होता है? रामायण का पाठ क्यों नहीं होता है? रामचरितमानस का ही क्यों होता है? ये भी बड़ा सवाल है, रामायण का पाठ क्यों नहीं होता है? रामायण का ही पाठ क्यों होता है? आप दोनों आपस में बात मत करो प्लीज, एक मिनट रुकिए, देखिए यही समस्या है कि ये एक ऐसा विषय है जिसपे लोग मरने मारने काटने कूटने मारने पीटने फटने पे उतारू हो जाते हैं। एक अच्छे
अच्छी सी स्वस्थ चर्चा करने के लिए बैठे हुए थे। देखिए क्या हो रहा है, पीछे दिखाओ कैमरा, पीछे दिखाओ, पीछे दिखाओ, ये नहीं रुकने वाले। आपने जो है वकील के कोर्ट पे ये धोती वाला अटायर कब सोचा, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हमारे एडवोकेट ऑन रोल में है, हम ड्रेस अपनी पहन सकते हैं, ये धोती। और ये सिर्फ आपने हसनैन जो कोर्ट के वकील जज साहब हैं उन्होंने भी आपत्ति उठाई थी, उनको भी एडवोकेट ऑन रोल दे दिया गया। 90% आदमी पढ़ता नहीं है, उसको बातें झगड़ा करने चला आता है। तो हम इसके मुझे अच्छा लगा, आपको आपका अटायर बड़ा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत इस टाइम भीड़ में ही अलग लग रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा मैं एक चीज आपसे ही पूछना चाह रही थी, आपके हिसाब से धर्म पहले है कि संविधान पहले है? आप तो वकील हैं। देखिए मैं वकील हूँ, ठीक है, मैं कमा रहा हूँ संविधान से, ठीक है, संविधान का। लेकिन मैं धर्म है क्या, मेन तो बात ये जो आप बताइए, धारण किया जाए वो धर्म। धर्म से हम अगर अच्छा ही लेते हैं तो आपके लिए पहले क्या है, धर्म या संविधान? मैं खुले दो शब्दों में कहता हूँ, मेरे लिए धर्म पहले है। अगर मैं धर्म के साथ हूँ तभी मैं संविधान का पालन कर पाऊंगा। अच्छा, लेकिन आप तो वकील नहीं हूँ तो संविधान का हक चलाऊंगा। लेकिन आप तो वकील है, आपके पास तो हर धर्म के लोग आते होंगे। सबका काम करते हैं, सबका काम, वो हमारा व्यवसाय है, पेशा है, हम उस पर उनका ईमानदारी से काम करते हैं। और कोई भी एक वकील मतलब किसी धर्म का नहीं कह सकता मैंने उसका कोई गलत किया। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी एक धर्म की एक है, अगर आपकी प्रायोरिटी एक धर्म की है तो फिर आप न्याय कैसे, न्याय के लिए लड़ कैसे पाएंगे? नहीं प्रायोरिटी नहीं, धर्म का मतलब, फिर आप लोग धर्म का मतलब ही नहीं समझे। धर्म जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो ईमानदारी से रिहा किया जाए वो धर्म है, जो कर्तव्य का पालन किया जाए वो धर्म है। 21 लाख रुपए की सुपारी देना भी धर्म होगा फिर? देखिए वो आप 21 लाख रुपए की सुपारी देना भी धर्म होगा? वो पुजारी, लेकिन अभी आप इनकी औकात एक हिंदू पुजारी के खिलाफ 21 लाख अभी शूद्रों के लिए औकात बता रहे हैं? शूद्र नहीं, शूद्र शूद्र नहीं, शूद्र 21 लाख रुपए की सुपारी पर नहीं बोलेंगे। पहले बोले, पहले बोले, रुक जाइए। अच्छा शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? सबसे मेन चीज शूद्र कौन? लेकिन एक देखो ये वाला हाथ इधर करते हैं, हमारी गिर जाता है हमारा। देखिए शूद्र का मत, देखिए शूद्र जो है हमारे, हम लोग के यहाँ बताया गया, कहा गया कि ब्राह्मण ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। शूद्र मतलब कि पैर, पैर मतलब जो हमको अरे अपनी बात कर रहा हूँ, हिंदू ही है, हम भी हिंदू है, मेरे कान में चिल्ला रहा है, कम से कम ये बोल रहे थे ना। अरे जाओ बात कर, कुछ नहीं आप, अरे कोई बात नहीं भैया, देखिए देखिए यहाँ पर, नहीं नहीं आप लोग चर्चा, आप लोग लड़ते हैं, आप लोग लड़ाई करते हैं, आप लोग लड़ाई करते हैं। देखिए स्वास्थ्य चर्चा कर रहे थे, लोगों से पूछने आए थे, मैं वकीलों से अपना आप लड़ाई करते हैं, मैं वकीलों से पूछने के लिए आई थी, लोगों से ये पूछने आई थी, वकीलों के बीच में ये सब वकील हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, काला कोट पहनते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, इनसे जान रहे थे कि आखिर ये जो इतनी बड़ी बहस चल रही है इस पर कानून की जानकारी रखने वाले वकील लोग क्या कहते हैं, वही पूछने के लिए आए थे। लेकिन धर्म सब पर भारी है भैया, रहे थे लड़ाई कर रहे थे, अगर चर्चा करते तो स्वस्थ संदेश निकलता, स्वस्थ सवालों के जवाब निकलते, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए हम लोगों के बीच में थे, सारे नियम कानून, हम लोगों के बीच में बात करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते कटिंग चाय, आइए मेरे साथ। अगर हम धर्म